हेलो बेटा, कैसे हो? आपकी किताबें बह गई थी पार्ट में? हाँ सर, वो बह गई थी। अभी आ गई किताबें? हाँ, आपने भेजवा दिया तो आ गई। वाह वाह वाह, चलो अच्छे से पढ़ाई करो, और भी मदद करवाते हैं। और क्या, बकरियां बह गई थी? हाँ, बकरियां बह गई थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक है बेटा, थैंक यू, और अच्छे से पढ़ाई करो। और भी कोई दिक्कत हो तो इनको जरूर बताना, जो भी हमसे होगी मदद करेंगे। आपकी पढ़ाई में दिक्कत नहीं आनी चाहिए सर। वो छात्रवृत्ति और पालनहार की बात आप सरकार से करना। पालनहार की और छात्रवृत्ति की मैं सरकार से बात करूंगा और करवाएंगे बेटा। आप और आपकी माई है अभी परिवार में? अच्छा अच्छा, तो माँ क्या करती है? माँ लकड़ियाँ काट के मेरी पढ़ाई करवाती है। और मम्मी ने अभी बोल दिया था कि अब तो घर पे रह पढ़ाई नहीं करवा सकती, इतना खर्चा है नहीं, तो मैंने आपको पत्र दे दिया। ओहो, अच्छा, तो लकड़ियाँ काट के आपकी पढ़ाई के लिए पैसे जुटाते हैं। अब आप बिल्कुल चिंता मत करो, पढ़ाई के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। धन्यवाद सर। ठीक है, ये जो लोग आए हैं रंजीत जी वगैरह, ये सब पूरा ध्यान रखेंगे, रूपाराम जी, प्रधान जी वगैरह। ठीक है सर। ठीक है बेटा, ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करना, बिल्कुल परेशान मत होना। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाई करूंगी। ठीक है बेटा।